हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व एनिमेशंस के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि वास्तुशास्त्र के तत्व और वैज्ञानिक आधार से हर दिशा में घर का निर्माण कैसे हो, जिससे हमेशा ही भाग्य कल्प की संभावना होती है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आदर्श घर कैसे होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर क्यों होना चाहिए। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है और हम आपको वास्तुशास्त्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करेंगे। सोलर एनर्जी विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिन घरों का निर्माण किया जाता है, उन घरों में ये सोलर एनर्जी सवेरे के सूर्य किरणों के रूप में आती है, जिसके कारण कॉस्मिक एनर्जी यानी प्राणिक ऊर्जा और जैविक ऊर्जा का निर्माण होता है। ये ऊर्जाएँ हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है और घर के सभी सदस्यों में उत्साह, चैतन्य और आत्मविश्वास दिखाई देता है। परिणाम स्वरूप जीवन में संघर्ष का प्रमाण कम होता है और इसीलिए जीवन में संघर्ष का प्रमाण कम करने के लिए ही वास्तुशास्त्र के अनुसार घर होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि ओपन प्लॉट में वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए। यहाँ पे 44 फीट बाय 46 फीट का एक ओपन प्लॉट है, जिसका रोड पूर्व दिशा में है। इस प्लॉट में हमें वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का निर्माण करना है। फ्रेंड्स, वास्तुशास्त्र में सबसे ज़्यादा महत्व प्लॉट को दिया जाता है और उसके बाद घर को। सबसे पहले कंपाउंड वॉल का निर्माण करना ज़रूरी होता है। दोपहर के बाद की तीव्र और दाहक सूर्य किरणें प्लॉट में और घर में ना आए, इसलिए दक्षिण और पश्चिम दिशा में ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाने चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले दक्षिण और पश्चिम दिशा की कंपाउंड वॉल 6 फीट ऊंची बनाई है। उसके बाद उत्तर और पूर्व दिशा की कंपाउंड वॉल 5 फीट ऊंची बनाई है। प्लॉट का मेन गेट पूर्व और ईशान्य दिशा के बीच से दिया है। ये स्थान मेन गेट के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, नैऋत्य दिशा में प्रबल पृथ्वी तत्व होना चाहिए, इसीलिए घर का निर्माण प्लॉट के नैऋत्य प्रभाग में ही होना चाहिए और इसीलिए साइड मार्जिन्स पूर्व और उत्तर दिशा में पश्चिम और दक्षिण दिशा से हमेशा ज़्यादा होने चाहिए। इससे उत्तर और पूर्व दिशा की शुभ ऊर्जाएं प्लॉट में फैल जाती है। ईशान्य दिशा में जल तत्व होता है, इसलिए अंडरग्राउंड वाटर टैंक और बोरवेल का निर्माण हमेशा ईशान्य दिशा में ही करना चाहिए। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का पानी भी ईशान्य दिशा में ही छोड़ा है। वायव्य दिशा में वायु तत्व और प्रिजर्वेशन क्वालिटीज़ होती है, इसलिए सेप्टिक टैंक का निर्माण करने के लिए वायव्य दिशा सबसे योग्य मानी जाती है। अग्नि दिशा में अग्नि तत्व होता है। यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था अग्नि दिशा में की है, जो कि मेन गेट और पोर्च से बहुत ही नज़दीक है। उत्तर दिशा में एक छोटा सा गार्डन, छोटे छोटे पौधे, फाउंटेन या छोटा वाटरफॉल का निर्माण भी कर सकते हैं। इस प्रकार वास्तुशास्त्र के अनुसार ओपन प्लॉट में घर बनाने के लिए रचना की जाती है। फ्रेंड्स, अब हम घर के बारे में विचार करते हैं। सबसे पहले पोर्च और मुख्य दरवाज़ा देखते हैं। पोर्च घर के पूर्व दिशा में बनाया है। पारंपरिक ग्रंथों में पूर्व प्लव यानी स्लोप के बारे में कहा है, पूर्व प्लवे भवे लक्ष्मी। इसलिए पोर्च का लेवल बाकी रूम के लेवल से 6 इंच नीचे रखा है, ताकि पूर्व दिशा में प्लव यानी स्लोप हो सके। घर का पोर्च पूर्व दिशा में होने के कारण सवेरे सूर्य की किरणें घर में प्रवेश करती है और प्राणिक ऊर्जा और जैविक ऊर्जा का निर्माण होता है। घर का मुख्य दरवाज़ा पूर्व दिशा से दिया है। पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और ये दिशा आरोग्य से भी जुड़ी है। फ्रेंड्स, पोर्च के बाद अब हम लिविंग रूम का विचार करते हैं। लिविंग रूम का निर्माण घर के उत्तर दिशा में किया है। इस प्लान में घर के हर एक रूम के फर्नीचर की रचना, रंग संगति, पीओपी डिजाइंस वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाए हैं। आने वाली हमारी कुछ वीडियो में हम इसके बारे में भी विस्तार से बातचीत करेंगे। उत्तर दिशा धन और ऐश्वर्य से जुड़ी है। जैविक ऊर्जा की यह उगम दिशा है। उत्तर दिशा में लिविंग रूम होने के कारण संपूर्ण घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है।
ईशान्य दिशा में पूजा रूम का निर्माण किया है। पारंपरिक ग्रंथों में कहा है, ईशान्यम देवता गृहम, ईश यानी ईश्वर परमेश्वर। ईशान्य दिशा सबसे पवित्र मानी जाती है। ईशान्य दिशा में ईश्वर का वास होता है। सकारात्मक ऊर्जा की यह उगम दिशा है। वास्तुशास्त्र में किचन का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। किचन का निर्माण घर के अग्नि दिशा में करना सबसे अधिक योग्य होता है। प्रस्तुत प्लान में किचन का निर्माण घर के अग्नि दिशा में किया है। पारंपरिक ग्रंथों में किचन के लिए कहा है, अग्नेयम पाक सदनम, अग्नि दिशा में अग्नि का वास होता है। अग्नि यानी ऊर्जा। अग्नि दिशा में किचन होने के कारण घर में काम करने की ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। सवेरे के सूर्य किरणों से वातावरण में भी प्रसन्नता आती है। फ्रेंड्स, अब हम मास्टर बेडरूम का विचार करते हैं। नैऋत्य दिशा में पृथ्वी तत्व होता है, इसलिए नैऋत्य दिशा मास्टर बेडरूम के लिए योग्य मानी जाती है। ये पृथ्वी तत्व घर के मुखिया को स्थिरता प्रदान करता है। मास्टर बेडरूम का यह उद्देश्य होता है कि दिन भर काम करके घर के मुखिया को जो थकान आती है, वो थकान आराम करके दूर करना, जिसके कारण वो अगले दिन फिर अपने परिवार के लिए दैनंदिन काम करने के लिए प्रेरित हो सके। प्रस्तुत प्लान में स्टेयरकेस यानी जीना दक्षिण दिशा में बनाया है। सूर्य की अस्त किरणें घर में न आए, इसलिए स्टेयरकेस का निर्माण दक्षिण दिशा में किया है। स्टेयरकेस के नीचे स्टोर रूम भी बनाया है, ताकि दक्षिण दिशा को जड़त्व प्राप्त हो सके और पृथ्वी तत्व की मात्रा बढ़ जाए। टॉयलेट्स के लिए दक्षिण और पश्चिम दिशा योग्य मानी जाती है। यहाँ पे दोनों टॉयलेट्स पश्चिम दिशा में बनाए हैं। दोनों टॉयलेट्स की रचना नज़दीक की है, ताकि प्लंबिंग लाइन के लिए भी कोई परेशानी ना हो। सेप्टिक टैंक भी नज़दीक होने के कारण टॉयलेट्स की लाइन उसमें आसानी से जोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, चिल्ड्रंस बेडरूम का निर्माण वायव्य दिशा में किया है। चंचलता ये इस दिशा का मुख्य गुणधर्म है, इसलिए बच्चों के लिए बेडरूम अच्छा होता है। घर में जो मेहमान आते हैं, उनके लिए भी ये बेडरूम अधिक योग्य होता है। इस प्रकार वास्तुशास्त्र के अनुसार ओपन प्लॉट में घर का निर्माण करते हैं, और वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाए हुए घर में हमेशा ही भाग्यकल्पक की संभावना होती है। फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तुशास्त्र के बारे में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। शुभम भवतु।